नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्सेस न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल पशुओं में लंपी डिसीज के दृष्टिगत बैतूल जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश किए गए जारी। मीडिया से चर्चा में बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने बताया, संपूर्ण बैतूल जिले में पशु मेले और हाट बाजारों को किया गया है प्रतिबंधित। लंपी स्किन डिजीज के जो केसेस हमारे जिले में अभी देखने में आए हैं, ये प्रमुखतः अभी भैंसदेही क्षेत्र में आ रहे हैं। तो जिन 3 से 4 ग्रामों में समस्याएं ज़्यादा हैं, वहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे में हम वैक्सीनेशन का ड्राइव भी चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो पशु बाजार लग रहे हैं, पशुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो बॉर्डरिंग एरिया से पशुओं का आवागमन है, इसके ऊपर भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। बैतूल जिले में भैंसदेही के ग्रामीण क्षेत्रों में लंपी वायरस ने किया पशुओं पर अटैक। लंपी वायरस के चलते पशु हो रहे हैं बीमार। अब तक इस बीमारी से 9 पशुओं की हुई मौत। बैतूल विशेष समुदाय द्वारा सरकारी जमीन पर मस्जिद और मजार बनाने को लेकर बजरंग दल संयुक्त मोर्चा ने बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस एवं बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद को सौंपा ज्ञापन। बैतूल तेमनी गांव में पंचायत को कई बार आवेदन देने के बाद भी नहीं बन पाई सड़क। ग्रामीणों ने स्वयं के खर्चे से प्रारंभ किया सड़क बनाने का कार्य। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बैतूल 10 साल पुराने हिरण शिकार के मामले में जिला न्यायालय ने थाने गांव निवासी एक बुजुर्ग के खिलाफ जेल वारंट किया जारी। कल जिला चिकित्सालय में उक्त बुजुर्ग का कराया गया मेडिकल। बैतूल प्रभातपट्टन के अंभोरी गांव में भतीजे ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करीब 6 एकड़ जमीन पर किया कब्जा। पुश्तैनी जमीन सुनीता बरोदे, इमला गाठे, पूरन बछले और स्वर्गीय श्यामलाल बछले के नाम पर। श्यामलाल बछले की मौत के बाद उनके बेटे अजय और विजय ने बनाए फर्जी दस्तावेज। पीड़ितों ने कलेक्टर से की इस पूरे मामले को लेकर शिकायत। क्या बैतूल जिले के अंदर किसी भी तहसील की कोई प्रॉपर्टी जैसे खेत, मकान या दुकान को आप बेचना चाहते हैं तो हम दिखाएंगे अपने चैनल पर आपकी एडवर्टाइज। नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। बैतूल गौठाना इलाके में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों ने करीब 70 से 80 लोगों को लगाए टीके। बैतूल कमानी गेट के पास यातायात पुलिस ने 2-व्हीलर वाहन चालकों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई। चालानी कार्रवाई करते हुए वसूल किया गया समन शुल्क। मुल्ताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा पहुंची ग्राम हिवरखेड़। हिवरखेड़ में पानी की टंकी निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने दर्ज कराई आपत्ति। एसडीएम ने किया समस्या का समाधान। मुल्ताई इंदिरा गांधी वार्ड में सर्विस सेंटर की टीन खोलकर करीब 2.25 लाख रुपए की मशीनरी ले उड़े चोर। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के बाद पुलिस की सक्रियता पर उठ रहे हैं सवाल। मुल्ताई ग्राम खड़की पांडरी में पशुओं में हुई लंपी वायरस की दस्तक। लंपी वायरस की दस्तक के बाद मुल्ताई क्षेत्र के पशुपालकों में मचा हड़कंप। मुल्ताई सरकारी अस्पताल में अधूरे आईसीयू के निर्माण को लेकर बीएमओ श्री बारस्कर ने ठेकेदार को दिए निर्देश। अधूरे आईसीयू यूनिट को हैंडओवर करने के पहले काम पूरा करने के संबंध में ठेकेदार से की चर्चा। आमला बोरदे थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से नाबालिग बालिका हुई लापता। घर से बिना बताए चली गई नाबालिग। परिजनों ने थाने में पहुंचकर शिकायत कराई दर्ज।
पुलिस कर रही है गुमशुदा नाबालिग बालिका की तलाश। सारनी, सतपुड़ा डैम के खोले गए 7 गेट। एक एक फीट की ऊंचाई तक गेट खोलकर 6000 क्यूसेक प्रति सेकंड तवा नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। भारी बारिश के चलते सतपुड़ा डैम के पिछले 3 से 4 दिनों के खोले जा रहे हैं गेट। सारनी पुलिस ने धारा 420 के आरोपी सुरेंद्र सिंह का घोड़ोंगरी अस्पताल में कराया मेडिकल। जीवित पिता का बनाया था मृत्यु प्रमाण पत्र। शाहपुर बरजोरपुर गांव में चौपाल के सामने से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कल ग्रामीणों ने शाहपुर की तहसीलदार एंटोनिया एक्का को सौंपा ज्ञापन। चौपाल के सामने जमकर हो गया है अतिक्रमण। शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष विक्की नायक ने दी जानकारी। बताया, नगर परिषद में 380 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास हुआ स्वीकृत। मकान बनाने के लिए जल्द ही जारी की जाएगी राशि। चिचोली कन्या हाई स्कूल हॉल में कल जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेल प्रभारियों को दिया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण। आठनेर एक्सलेंस स्कूल में 3 दिवसीय खेल रिफ्रेशिंग कोर्स का हुआ समापन। पिछले 3 दिनों से ब्लॉक लेवल पर चल रहा था रिफ्रेशिंग कोर्स का शिविर। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।